सब्सक्राइब करने के बाद क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो वेलकम गाइज, आपका स्वागत है। तन्हा बैठकर ना देख हाथों की लकीरें, उठ बांध कमर और लिख दे खुद की तकदीर अपनी। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ काम करती रहिए, आगे बढ़ती रहिए। टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन गाइड करने के लिए हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है सीमॉस सेंसर वर्सेस सीसीडी सेंसर। तो दोस्तों, हमारे मोबाइल फ़ोन में ये कैमरा में यूज़ होने वाला सेंसर है। हमारे मोबाइल फ़ोन में कैमरा में यूज़ होने वाले ये सेंसर कितने टाइप के होते और वो कैसे वर्क करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दो टाइप के सेंसर होते हैं, एक सीसीडी सेंसर, दूसरा सीमॉस सेंसर। तो फर्स्ट मैं इन दोनों की सिमिलरिटीज़ बता दूंगा आपको। किसी भी सेंसर के ऊपर सिलिकॉन की लेयर होती है, हम उसे पिक्सल बोलते हैं। और उन पिक्सल का काम होता है, जो भी लाइट कैमरे की लेंस से अंदर आता है, उस लाइट को ये सेंसर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। और उसके बाद जो कि कन्वर्ट हुआ है लाइट इलेक्ट्रिक सिग्नल, वो जाता है इमेज प्रोसेस, देन उसके बाद हमारी इमेज तैयार होती है। ये सिमिलरिटीज थी, ये दोनों में भी यही प्रोसेस होता है, दोनों में सेंसर में, सीसीडी और सीमॉस में। अभी इसके बाद देखेंगे अपन इन दोनों सेंसर में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, सीसीडी सेंसर में क्या होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये दोनों सेंसर की मैंने फोटो लगाई है। सीसीडी सेंसर में जो कि लाइट कन्वर्ट होती है, जो कि लाइट आती है कैमरे के लेंस के थ्रू, वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक सिग्नल में, तो वो सीसीडी सेंसर में वन बाय वन होती है। और सीमॉस सेंसर में यही प्रोसेस पैरेलल होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ऐसे ये तीन लाइन है, तो ये वन बाय वन नहीं होता है, ये पैरेलल वाइज होता है। जो पैरेलल वाइज होता है, इसी के कारण ये सीमॉस सेंसर सीसीडी के मुकाबले ज़्यादा फास्ट होते हैं। अगर इन सेंसर की फिजिकली बात करें तो सीसीडी सेंसर पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो इसके कारण वो ज़्यादा स्पेस लेती है। अभी जो ये सीमॉस सेंसर होते हैं, वो सीसीडी के मुकाबले कम स्पेस लेते हैं। ये थोड़ी सीसीडी से नई टेक्नोलॉजी है, तो इसके कारण ये थोड़ा कम स्पेस लेते हैं। और ज़्यादातर ये सीमॉस सेंसर हमें हमारे फ़ोन के कैमरा में देखने को मिलते हैं, बिकॉज फ़ोन में ज़्यादा स्पेस नहीं होता है कि सीसीडी सेंसर वहाँ पर लगाया जाए। इसके कारण सीमॉस सेंसर ज़्यादा यूज़ होता है हमारे स्मार्टफोन में, और सीमॉस सीसीडी के मुकाबले फास्ट होता है, ये मैंने आपको बता दिया, जो कि लाइट टू कन्वर्ट होता है वन बाय वन सीसीडी में, और सीमॉस में पैरेलल वॉइस होता है, तो ये फास्ट होते हैं उससे सीसीडी से। और दोस्तों, सीमॉस सेंसर जो होता है वो पावर कम कंज्यूम करता है सीसीडी के मुकाबले। सीसीडी पुरानी टेक्नोलॉजी है और वो फिजिकली भी ज़्यादा हेवी सेंसर है, तो इसीलिए सीसीडी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है और सीमॉस सेंसर कम पावर कंज्यूम करता है। इसके कारण भी ज़्यादातर स्मार्टफोन कंपनीज मैन्युफैक्चरर ये सेंसर को ज़्यादा अफोर्ड करते हैं। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए कि किसकी क्वालिटी हमें बेहतर देखने को मिलती है, तो सीमॉस सेंसर के मुकाबले सीसीडी सेंसर की इमेज क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, बिकॉज वो वन बाय वन कन्वर्ट करता है। इसके कारण सीसीडी सेंसर की इमेज क्वालिटी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। और सीसीडी सेंसर के मुकाबले सीमॉस सेंसर में हमें कभी कभार नॉइस भी देखने मिल सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मैंने सारी बातें आपको इसके बारे में बता दी है और मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँ दोनों भी सेंसर के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा है ये मुझे नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।